किसान कानूनों के खिलाफ पटना में आरजेडी ह्यूमन चेन बनाकर विरोध जता रही, हालांकि पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज लेफ्ट कांग्रेस और आरजेडी के महागठबंधन ने मानव श्रृंखला बनाई है। गांव में पंचायत स्तर पर लोग मानव श्रृंखला बनाकर खड़े हैं और इसका मकसद है कि हम लोग किसानों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में आज महागठबंधन बिहार में मानव श्रृंखला बना रहा है और किसानों के समर्थन में जो है वो अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, राजधानी पटना में बुद्ध स्मृति पार्क के बाहर की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं महागठबंधन के जो नेता हैं और उनके समर्थक कार्यकर्ता, वो सब यहाँ बुद्ध स्मृति पार्क पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर मानव श्रृंखला बनाया गया है। और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जो है इसका पूरा नेतृत्व कर रहे हैं और बिहार में कई जगहों पर मानव श्रृंखला का जो है वो इसी तरीके से आयोजन किया गया है। और किसान जो आंदोलन कर रहे हैं कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए, उसके समर्थन में यहाँ पे आप देख सकते हैं कई नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यहाँ पर जो है वो मानव श्रृंखला बनाकर किसानों को समर्थन दे रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि हम लोग किसानों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। तेजस्वी यादव से खास बात की हमारे सहयोगी रोहित सिंह ने। तेजस्वी यादव यहाँ पे आज मानव श्रृंखला में शामिल हुए हैं। तेजस्वी जी ये बताइए, 2 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है राजधानी में किसान बैठे हुए हैं, अब तो वहाँ हिंसा भी देखने को मिल रही है, क्या? देखिए हिंसा कौन कर रहा है, भाजपा का, भाजपा के लोग हिंसा कर रहे हैं। किसान जो 2 महीने से शांतिपूर्ण ढंग से जो आंदोलन कर रहा है उसको जो है साजिश के द्वारा जो है खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कितनी भी सरकार की बल साजिशें जो नापाक इरादे हैं वो कोई काम नहीं आ रहा। आपको एक बात समझना पड़ेगा, जब किसान नहीं चाहता है ये बिल तो क्यों जबरदस्ती थोपा जा रहा है? आखिर हड़बड़ी क्यों है, आखिर ये जिद क्यों है सरकार की? देश भर का किसान, सारे यूनियंस खड़े हैं वहाँ प्रोटेस्ट में और आप जो है 2 शब्द भी नहीं बोलते हो जब 150-200 लोग ठंड में मर जाते हैं। तो इसमें हम लोग सब लोग जो है जब तक कानून वापस नहीं दिया जाता तब तक हम लोग खड़े। लाल किले में लेकिन जो हिंसा देखने को मिली उसके लिए किसको जिम्मेदार है? फहराने वाला कौन है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। क्यों नहीं पकड़ा गया वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कहाँ है वो सरकार जानती, गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही वो सब लोग समझ रहे हैं इस बात को।